फिर गेल इंडिया के साथ बिहार के किसानों की वार्ता इसी सप्ताह हो गया। अरे रिकॉर्ड हो गए, अरे रिकॉर्ड से एक बार हमारी बात जो कार्यपत्ति है जो विभाग है उनसे कराते हुए मुख्यमंत्री तक कराई, 8 दिन के अंदर ये उन्होंने वादा किया है और ये बात लिखित में दे रहे हैं, अगर वो नहीं करा पाते हैं तो हम 8 दिन बाद फिर यहीं। तो आज जो है ऊपर आप अपना धरना यहाँ खत्म कर रहे हैं, यहाँ से स्थगित कर रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलते रहेंगे। तो आगे मतलब 8 दिन बाद फिर आप क्या करेंगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो? बताइए ना, फिर यहीं आ जाएंगे, जो आज कर रहे हैं वही फिर करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों के साथ वार्ता की जाए और वार्ता करने के बाद जो उनके जो सही इश्यूज हैं उनके ऊपर विचार उपरांत सही निर्णय लिए जाए। जब कल से किसान धरना दे रहे थे, हम और एसएसपी साहब दोनों लोग लगातार इनसे वार्ता कर रहे हैं, जैसा कि आप अवगत हैं रात में 1:30 बजे रात तक वार्ता हुई थी और सफल हुई थी। उसके बाद सुबह इनके दिमाग में कुछ शंका थी, पुनः उसका समाधान करने के लिए हम लोगों ने इनसे वार्ता की और इनको आश्वासन दिया कि इनके जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे यमुना अथॉरिटी के इश्यूज़ हैं, तो यमुना अथॉरिटी से सोमवार या मंगलवार में इनकी बातचीत कराएंगे। एक बार ये बातचीत कम्प्लीट हो जाएगी तो शासन स्तर पे भी इनकी बातचीत होगी। दूसरी मंडोला का इशू बताया गया, वो भी शासन स्तर पर बातचीत होगा। गेल के सारे बारे में बताया तो सोमवार या मंगलवार को गेल के अधिकारियों को बुला के गेल के इश्यूज़ को हम लोग चाहेंगे कि वो भी उस पर बातचीत हो और सही निष्कर्ष निकले। स्थानीय स्तर पर एक इशू था कचड़ा गांव का, वो सोमवार को हम बुला रहे हैं जो दूसरी पार्टी है और दोनों के बीच में यदि कोई समझौता हुआ है जो हुआ है बता रहे हैं, उस पर वार्ता की जाएगी कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मुझे लगता है कि इस बातचीत के कारण बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से किसानों के साथ ये समस्या का हल निकला और इसके लिए हम किसानों को भी धन्यवाद देते हैं और अपने पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन इसमें काम किया उनको भी धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं।